Hello students, I am K.N. Sharma, teaching you social science. In geography portion, students, we are studying chapter number 2, Physical Features of India, part number 11. Students, we have discussed about the Deccan Plateau. Students, in this, we will discuss about the Eastern Ghats and Western Ghats. I will distinguish here these two features. Students, you know Western Ghats? Western Ghats mark the western edge of Deccan Plateau. Students, Deccan Plateau ke jo hai ye Deccan Plateau aap jante hain ki नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है. नर्मदा रिवर के साउथ में ये डेकन प्लेटू ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है. तो ये वेस्टर्न एज ये है. दिस इज वेस्टर्न एज एंड दिस इज ईस्टर्न एज. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि द वेस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एज. दिस इज द वेस्टर्न एज ऑफ द डेकन प्लेटू एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द डेकन प्लेटू. इट इज ईस्टर्न एज ऑफ द डेकन प्लेटू. ओके स्टूडेंट्स, दे लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी. यू लुक अरेबियन सी. They lie parallel, right? They lie parallel to western coast along Arabian Sea and they lie parallel to eastern coast. ये जो eastern coast है समुद्र का किनारा मतलब Bay of Bengal का उसके parallel पड़ता है. कौन सा? Eastern Ghats. And they are continuous and can be crossed through passes only. Students, ये western घाट्स जो है continuous है, मतलब लगातार ये जो है घाट्स हैं और इनको केवल passes के जरिए cross किया जा सकता है. But यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स दे आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग द बे ऑफ बंगाल. तो ये डिसकंटिन्यूअस है ईस्टर्न कोस्ट. यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की तरफ जो नदियां जाती हैं वही इनको जो है काटती हैं. एंड देयर एवरेज एलिवेशन, यहाँ पे जो जमीनों की जो ऊंचाई है, मिट्टी पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो पहाड़ों की 900 टू 1600 मीटर्स, यानी 900 से 1600 मीटर्स तक की जो इसकी एवरेज हाइट है. और यहाँ पे जो हिल्स हैं देयर एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर्स. इनकी जो एलिवेशन है हाइट है वो 600 मीटर्स है. अच्छा, ये वेस्टर्न घाट्स में जो सबसे ऊंचा पहाड़ी है वो है द हाईएस्ट पीक इज अनाई मोटी 2695 मीटर्स. एंड ईस्टर्न घाट्स द हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी 1501 मीटर. And other hills is also Dodo Veta. And hill station is Uti, famous hill station, students. And in Eastern Ghat there are not so much hill stations, but some here not markable. So, we have distinguished about Western Ghats and Eastern Ghats. I hope you will have understood, students. आप लोगों के समझ में आ गया होगा. Okay. Thank you, students.